मैं भोपाल में ही पला हूँ, भोपाल में ही पढ़ा भी हूँ, और साउथ टीटी नगर में पूरा वक्त गुजरा है सरकारी क्वार्टर में। मेरी माँ स्कूल टीचर थी, फादर कॉन्ट्रैक्टर थे, सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे। नानी अक्सर आया करती थी उज्जैन से, तो नानी के साथ में सोया करता था। मैं बहुत प्यार करता था उनसे, और वहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं भोपाल में, कि गर्मी के दिनों में आसमान के नीचे सोने की आदत है, तो मैं नानी के साथ उनकी खटिया पे सोता था और वो मुझे कहानियाँ सुनाती थी। और हर बार सप्तऋषि की कहानियां होती थी, लेकिन हर बार कहानी नई होती थी, तो मेरे को हैरान होता था कि तारे साथ ही हैं लेकिन कहानियां 700 कैसे हो जाती हैं। तो एक वो इंटरेस्टिंग था। दूसरा ये था कि गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव जो भोपाल में बहुत पॉपुलर है, हम लोग भी ऑर्गेनाइज करते थे, और उसमें एक जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन हुआ करता था वो थी फिल्में दिखाते थे हम लोग सड़क पे, तो वो फिल्में देखने का बहुत शौक था। तो उससे कहानियां बुनना और उससे कहानियां सोचना, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं बुना करता था अपने जहन में, कि मैं कहीं जा रहा हूँ, किसी का बटुआ गिर जाएगा, मैं उसको वापस करूंगा, वो बहुत अमीर आदमी होगा, वो मुझे गोद ले लेगा और फिर मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। मतलब इस तरह की अपनी एक फैंटेसी टाइप की मैं बनाता था। सो जाहिर है वो वहां से सिलसिला कह सकते हैं शुरू हुआ।